कुछ होता नहीं है। मसला ये है कि ये रोड जो है ये ऊंचा है, तो वो जो स्लैब है ये हमने इसलिए डाला था कि यहाँ पे छोटी सी जेसीबी कोकलन जो भी है खड़ी की जाए। देखो ये ओरिजिनल ब्रिज है और इसके बाद से ये दूसरा बनाया गया है ब्रिज। कम चौड़ा होने की वजह से रास्ते पे उसको खड़े करना पड़ता था, ट्रैफिक जाम होती थी, कचरा निकालने में दिक्कत होती थी। और ये है नीचे, वो है ऊपर। 200 फुट का नाला के छोटा नाला नहीं है ये, सिर्फ अपने लिए किए है और ये मेन रोड खोद दिए। आदमी की जान जाने के भी खतरा है। मैडम बोलती है मैं इलीगल बिल्डिंग में रहता हूँ। कुछ इमारतें हैं जिसकी वजह से अभी बारिश के दौरान वो काम थोड़ा रुका है। उन्होंने कहा कि इलीगल बांधकाम पे आधिकारिक कार्रवाई करे। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कौसा जामा मस्जिद के पास नाले को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत और आरटीआई कार्यकर्ता परवेज फार्मर के बीच एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाने का सिलसिला जारी है। मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत के ऑफिस के पास से जो नाला होकर एमएम वली के तरफ जाता है, उस नाले की सफाई करने के लिए कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने रोड के बीचों बीच नाले के ऊपर खुदाई की है और यहां पर चेंबर बनाया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर ढक्कन लगाने की भी बात की जा रही है ताकि नाले में जो मजदूर साफ सफाई करने के लिए उतरे उन्हें उस वक्त उस ढक्कन को खोल दिया जाए ताकि सांस लेने में इन मजदूरों को तकलीफ ना हो। ये काम अश्विन राउत करवा रही हैं, मगर वहीं इस पर आपत्ति जताते हुए आरटीआई कार्यकर्ता परवेज फार्मर ने कहा है कि नाले पर जो कलवट बनाया गया है उसे तोड़कर जेसीबी उतरने की जगह बनाई जाए ताकि नाला जेसीबी से साफ हो, रोड पर चेंबर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अश्विन राउत का भी कहना है कि नाले का काम मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी के देख रेख में हो रहा है और परवेज फार्मर के बोलने से कुछ नहीं होगा। हर काम में विवाद पैदा करने से हल नहीं निकलता है। वहीं परवेज ने भी एक इमारत पर स्टे लगा देने के बाद भी अश्विन राउत पर इमारत का काम चालू करने का आरोप लगाया है और कहा कि इनके इमारत पर मनीष जोशी ने कार्रवाई की थी इसलिए उसकी बदली करवा दी है। मगर अश्विन राउत का कहना है कि इमारत का काम अभी भी रुका हुआ है। जहां तक बात रही मनीष जोशी की बदली करवाने की, तो उन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की थी और इस मामले को लेकर उन्हें हटाया गया था। सबसे पहले हम आरटीआई कार्यकर्ता परवेज फार्मर ने अश्विन राउत पर क्या आरोप लगाया है वो सुनाते हैं। परवेज भाई, क्या पूरा मामला है ये जो नाले को लेकर मसला चल रहा है जी? तो ये पूरा मामला दरअसल है क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली मसला ये है कि ये रोड जो है ये ऊंचा है, बराबर। ये ओरिजिनल क्या आप यहाँ दिखा सकते हैं कि देखो ये ओरिजिनल ब्रिज है और इसके बाद से ये दूसरा बनाया गया है ब्रिज, और ये है नीचे वो है ऊपर, तो सारा कचरा ये टन पे आके जमा हो जाता है, बराबर। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये ब्रिज तोड़ के इधर से जीसीबी उतारने का ये बना लो, प्रपोजल कर दो ताकि जीसीबी उतरेगा पूरा नाला साफ होएगा, पूरा चार वार्ड के परेशानी दूर हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ अपने मफाद के लिए इधर गेट लगा दिए, इधर से ये इनका पर्सनल यूज़ किए। अगर ये पब्लिक के लिए कर रहे तो ये बीच की दीवार तोड़ देवे, इसको रास्ता कर देवे, सीधा सीधा पब्लिक आएगी जाएगी, सबको दुआ मिलेंगी। ये इन्होंने ये सिर्फ अपने लिए किए हैं और ये मेन रोड खोद दिए, उधर चेंबर बनाने की बात करें, ठीक है? अगर ये चेंबर इधर बनेगा तो मेरे को ये बताओ आप कि ये क्या रोड जाम करके जैसे कचरा साफ होगा, हाँ? और इसमें अभी हादसा होगा, कोई गिरेगा मरेगा उसका जिम्मेदार कौन? एक्चुअली ऐसी कौसा में इधर जगह है कम, ट्रैफिक की समस्या इधर ही ज़्यादा है और इधर ही लोग ने ये काम कर दिए। लेकिन इनका कहना है कि जो रोड पे जगह खोदा गया है जी, तो वहाँ पर सिर्फ जो है वो ढक्कन लगाया जाएगा ताकि नीचे जो सफाई कर्मी उतरेंगे उनको ऑक्सीजन मिले और सांस लेने में उनको तकलीफ ना हो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी बात, वहाँ से कचरा नहीं निकाला जाएगा ऐसा उनका कहना है। ये तोड़ देंगे तो वो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, जब यहाँ से जीसीबी उतरने का रास्ता हो जाएगा, कचरा यहाँ फंस रहा वहाँ नहीं फंस रहा भाई, कचरा ये टन पे फंस रहा है, ये यहाँ से नाला टन होता है और ये टन पे कचरा फंस रहा है, तो ये जब टन ही निकल जाएगा तो वो चेंबर बनाने की जरूरत ही नहीं है, नाला तो स्ट्रेट है, सीधा चले जाएगा पानी। इतना साल हो गया इसको बनकर, इसको बना के जब ये मैडम मेरे ख्याल से नगर सेविका बनी है उसके बाद ही ये बना है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले आपने इसकी कंप्लेंट कभी की थी? हमको मालूम ही नहीं था कि ये इन्होंने बोले थे कि इधर से रोड होगा ये होगा, ये तो बाद में मालूम पड़ा कि ये तो दो दो गेट लगा दिए, देख लो आप।
कैमरा घुमा के देख लो, दो गेट है पर्सनल इनके। यहाँ पब्लिक तो जब इनका ऑफिस खुलता है, जब पब्लिक आती है, जब इनका ऑफिस बंद होता है गेट बंद हो जाता है। ये तो इनका पर्सनल हो गया ना, फिर पब्लिक का कैसा हुआ? इस मामले को लेकर आपने कोई शिकायत की? अभी मैं गोसावी साहब से बात किया हूँ, गोसावी साहब ने मेरे को बोले क्या वो उधर चेंबर बना है, तो मैं कल मंडे के दिन आयुक्त के पास जाऊँगा और मैं प्रपोजल दूंगा कि यहाँ से भाई जी सी बी नीचे उतारने का प्रपोजल बनाओ, ताकि पूरा रोड नाला पूरा साफ हो जाए ना। ये खाली इतना आदमी उतर के कैसा करेगा? जी सी बी करेगा वो जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बात, इनकी बाजू में बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर है इस्ते बराबर, उधर मनीष जोशी ने कार्रवाई किए थे तो उनकी बदली करवा दी इन लोग ने। और उसके ऊपर दूसरी बात, वो इस्ते के होने के बावजूद भी उसके ऊपर काम हो रहा है, काम हुआ है तोड़ने के बाद। तो ये इनकी दादागिरी नहीं है तो क्या है ना? पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है, सियासत में बैठे लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई होने के बाद MITP लगती है उसके ऊपर, दो बार कार्रवाई की, आज तक उसके ऊपर MITP क्यों नहीं लगाई म्यूनसिपाल्टी ने? जबकि म्यूनसिपाल्टी पार्टी बनी है कोर्ट में, वो साइड के ऊपर इस्टे के ऊपर म्यूनसिपाल्टी पार्टी है, तो म्यूनसिपाल्टी उसके ऊपर इस्टे है होने के बावजूद काम क्यों करने दी? और काम करने दी तो उसके ऊपर फिर MITP क्यों नहीं लगाई? तो ये सारे मुद्दे बोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोग सियासत में बैठे कोई सब डरते हैं। और हमारा तो कोई इल्लीगल काम नहीं, मैडम बोलती है मैं इल्लीगल बिल्डिंग में रहता हूँ, तो मैडम ने अभी कल बाइट दिए थे कि मैं इल्लीगल बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं नाले के ऊपर। तो भाई मुमरा में सारी बिल्डिंग है इल्लीगल और मैडम खुद रह रही वो भी इल्लीगली बिल्डिंग है, कोई लीगल नहीं है। और मैं इल्लीगल बिल्डिंग में रहने के बाद मैंने कोई इल्लीगल काम नहीं किया, मैडम तो इल्लीगल बिल्डिंग में रहने का चज्जा निकाल दिया इल्लीगल, ये तो कोई बोल रहा नहीं उसको, उनको कोई बोलने वाला नहीं, हमको ही बोलेंगे सब। यहाँ सियासत में रहने के बाद मैं भी अगर नगर सेवक बन जाऊँ तो मैं भी इधर नाले के ऊपर बंगला बना लूँ, ये साइड भी बंगला बना लूँ, यानी मेरा प्रशासन मेरे से डरती है। प्रशासन क्यों नहीं कर रही मेरे समझ में नहीं आ रहा। मनीष जोशी साहब ने बेचारे ने उनके इस पर कार्रवाई की है, चार दिन के बाद उनकी बदली कर दी मैं, वो जैसी उनकी बदली वापस बिल्डिंग बन गई। नहीं, उनका बदली होने का कारण तो कुछ दूसरा ही बताया गया था। अरे असल मुद्दा यही था कि वो 21 मई को उन्होंने आके कार्रवाई की है उस साइड पर मेरी अर्जी के ऊपर, और उसके बाद उनकी बदली हो गई। अच्छा, अगर वो साइड पर स्टे है, अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो फिर वो बनना चाहिए क्या, आप मेरे को बताओ? नहीं बनना चाहिए वो बिल्डिंग, तो फिर वो बनी कैसा? स्टे के बाद भी वो बिल्डिंग बन गई। हाँ, और बिल्डिंग वो अच्छा, अभी ये नाले को लेकर आपने और आगे क्या प्रोसेस? मैं मंडे के दिन आयुक्त के पास जाने वाला हूँ, कमिश्नर साहब से बात करके वहाँ जाके उनसे मिलूँगा, उनको सब बताऊँगा चीज़ें कि ये कैसा काम हो रहा है, ये तुम नाला ये नहीं तोड़ते हुए तुम मेन रोड खोद रहे, ये कैसा काम हो रहा है? और वो हाइट में ये है, नीचे कितनी बार करेंगे? वो तो वो बनने के बाद भी यहाँ कचरा फंसने वाला है, क्योंकि इसकी हाइट देख लो ना आप, नीचे इसकी हाइट। जी आपने बताया कि 4-5 साल से ज़्यादा हो गया बन गए जी, आप अभी इसकी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? पहले ऐसा पानी भरता ही नहीं था, अभी पानी ज़्यादा हो गया, सब जगह नाला छोटा हो गया। अभी आप आगे जाके देखोगे MMVL में, ये नाला जो है ये MMVL में जाता है, वहाँ जाके देखोगे तो इतना चौड़ा नाले को उसको 2 फुट का नाला कर दिए, वो उसके वजह से यहाँ पानी भरने लग गया, कचरा यहाँ से पास नहीं हो रहा है। आपको चाहिए तो वहाँ की भी मैं दिखा दूँ, वहाँ पर भरनी हुई बाकायदा नाला छोटा कर दिया गया, वहाँ पे भी सियासती लोग हैं। वहीं परवेश द्वारा लगाए गए आरोपों पर अश्विन राउत ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। परवेश फार्मर का कहना है कि जो आपकी इस इमारत के बाजू में नाला बना हुआ है और आपने जो रोड पर अभी गड्ढा खुदवाया तो उसको लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं कि जो लादी आप लगवाए नाले के ऊपर उसे तोड़कर वहाँ JCB जाने का जगह बनाया जाए, वो उस तरीके से JCB से वहाँ साफ हो जाएगा, रोड पर खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसा है, कौन क्या बोलता है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। खौसा गांव वाले मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, मेरे अपने लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरे जिम्मे। खौसा गांव में ये नाला जो है पुराना ब्रिटिश के टाइम पे बना हुआ नाला है, इसके लिए मैंने ही उसका बजट मंजूर करके लाई हूँ। अब ये नाले का काम आधा मेरे ख्याल से मोतीबाग तक आया है, कुछ इमारतें हैं जिसकी वजह से अभी बारिश के दौरान वो काम थोड़ा रुका है, इंशाल्लाह ताला आगे उसको हो जाएगा। ये कलवट जो बनी वो कलवट भी जो है पहले यहाँ से एक बैलगाड़ी पास होती थी, इतनी बड़ी कलवट थी, बाद में जो है ये कलवट एकदम छोटी हो गई थी जिसकी वजह से पानी पास नहीं होता था, उस वक्त भी पानी जो है गाँव में भरता था। हमने ही वो कलवट जब मैं नगर सेविका बनी तो 2010 में मतलब उसके बाद ही मैंने वो कलवट बनाए, उसके बाद में अभी कलवट बनाए हुए कई साल हो, और उसके अंदर एक MTNL का केबल है। हमने पहले भी डिमांड की थी कि ये केबल को कटवा दो,
और MTNL को जब से लेकर आज तक कई लेटर मैंने भी दिए हैं, TMC ने भी दिए, अब उनका केबल हम तो काट नहीं सकते। उसके बाद में अभी हमने जो है इससे 3 साल पहले जो है छोटी पोकलन उतार के जो है यहाँ पे पूरा नाला सफाई का काम किया था। लेकिन क्या होता है कि लास्ट ईयर भी एक भैंस बह के आई, उस केबल में फंस गई, जिसकी वजह से पानी में रुकावट आने लगी और पानी जो है दोबारा से, कहीं पे दीवार टूटी हुई है, कहीं पे कुछ है, जिसकी वजह से पानी दोबारा से गांव में भरने लगा। उसके बाद में अब जो मामला आया, देखिए वो नाले का जो स्लैब डाला हुआ है, तो वो जो स्लैब है ये हमने इसलिए डाला था कि यहाँ पे छोटी सी JCB पोकलन जो भी है खड़ी की जाए, क्योंकि पहले रोड कम चौड़ा था, कम चौड़ा होने की वजह से रास्ते पे उसको खड़े करना पड़ता था, ट्रैफिक जाम होती थी, कचरा निकालने में दिक्कत होती थी। तो ये बहुत सोच समझ के TMC ने ही बनाया हुआ ब्रिज है। लोग रास्ते पे आते जाते कचरे फेंकते थे, बड़ी बड़ी गोनियाँ आती थी कचरे की, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को होने लगी थी नाली में, जिसकी वजह से वो बनाया गया था। और अभी जब डक बनाया जाएगा तो रास्ते के बीच में ही आएगा, क्योंकि 200 फुट का नाला है, 200 फुट का नाला के छोटा नाला नहीं होता है। जब आदमी यहाँ पे अंदर काम करने जा रहा था, वो जो केबल नहीं कटाने की वजह भी यही हुई कि अभी जब वो रास्ता बन गया, कलवट पूरा पैक हो गया, तो अब आदमी अंदर जाएगा कैसे? आदमी जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दूसरी गैसेस वहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से आदमी के जान जाने के भी खतरा थे। वहाँ पर इससे पहले भी कई बड़े बड़े सांप वगैरह देखे गए अंदर। तो इंसान जाने के लिए अंदर जो है, नॉर्मली आदमी जो है, जो बेचारा कामगार भी इंसान ही, तो हम किसी की जान से खेल नहीं सकते। तो सांस लेने के लिए बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जब हमने जाली लगाई जाएगी और फिर ढक्कन रखा जाएगा कहाँ पर, वहाँ पर तो जैसे अभी देखो अपने कावेरी सेतु के पास आवाज इतना अच्छा रास्ता बना है, उसके ऊपर ढक्कन लगे हुए, मजबूत अगर ढक्कन लगाएंगे तो क्यों टूटेगा भाई? और नाला सफाई के दौरान वो ढक्कन खोला जाएगा, बीच में से अगर आदमी को उतारते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी, उजाला मिलेगा। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो ये इलीगल तरीके से जो बनाए वहाँ पे अगर जगह होती तो JCB यहाँ से उतर के नाला सफाई हो जाती। देखो किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है, वो टेक्निकली इंजीनियर लोगों ने ही बनाया और लीगल इलीगल आपने उनके एक स्पीच में सुना होगा, उन्होंने कहा कि इलीगल बांधकाम पे आधिकारिक कार्रवाई करते। अब उनका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही ना। जो अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छी ही बातों पे तवज्जो देंगे। उनका कहना है कि बीच रोड पे खुदाई हुई है, खोदा गया तो वहां से भी कचरा निकाल कर रोड पे रखेंगे। आप मुझे ये बताओ स्पीड ब्रेकर कहाँ पर है रास्ते के बीच में, उसके नीचे MTNL का केबल कहाँ है? इस तरफ अगर आप देखेंगे मतलब मेरी ऑफिस की साइड में, तो वो जो डक से है 5-6 फुट की दूरी पे, तो उस केबल को कटाने के लिए वो डक का होना जरूरी है, अगर वो नहीं बनेगा तो केबल कट नहीं हो सकता है। अच्छा उनका कहना है कि जो ये नाले के ऊपर लादी लगी हुई है वो, और ये सीधा जो रास्ता है आपके बिल्डिंग से, तो ये आप पूरा कब्जा किए हैं, दूसरे के लिए आने जाने का रास्ता नहीं, आपकी ऑफिस खुलती है तभी आप पूरा जंगला खुलते हैं आने जाने के लिए, नहीं तो बंद रहता है। देखिए किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं, उनको क्या तकलीफ है क्या नहीं है ये मैं बता नहीं सकती। अच्छी बात है वो ये समझते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं काम करके लेती हूँ, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है और मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। एक बिल्डिंग का भी मामला बताया कि स्टे लगा उसके बाद काम हो रहा है उस पे, देखिए अल्लाह ने मुंह दिया है, इंसान कुछ भी बोल सकता है, साबित करके बताया वो। अगर मैं उसमें गलत रहती तो मैं कोर्ट तक नहीं जाती थी, मैंने भी मानहानी का दावा किया है, अभी मैंने कोर्ट में केस ये किया है, मैंने 3 अक्टूबर को उसका वो है वापस से डेट है उसकी, कोरोना की वजह से जो है डेट आगे आगे चली गई थी, तो ऐसा नहीं है, वो उनकी बाजू रखेंगे मैं मेरी बाजू मांगूंगी। तो इस मामले को लेकर वो आयोग से मुलाकात करने वाले क्या कहेंगे? ठीक है ना, उनको जहाँ जाना है जाइए, अगर हम गलत है तो कुछ होगा, लेकिन यानी ये जो काम पूरा हो रहा है जो इंजीनियर गोसावी हैं उनके निगरानी में देख रेख में, आपने अगर फोटो देखी होगी गोसावी तो सारे सिटी इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाले के जो टेक्नीशियन है वो थे, हर कोई वहाँ पे मौजूद था, और हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब के। क्या लग रहा है आपके जो परवेज फार्मर है ये आपके काम में रोड़ा डाल रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं? देखिए कैसा है, जब आदमी तरक्की करता है तो ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले कुछ और लोग थे, आज ये लोग हैं, कल को और कोई रहेगा, मैं इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। और वो कौन है, कौन
क्या फर्क पड़ता है? उनका कहना है कि कुछ समिति के लोग भी आपके साथ में मिली भगत से काम हो रहा है सर। देखिए मैंने फिर कह रही हूँ आपको कि नाला जो है इंजीनियर की निगरानी में बना है और नाला आज नहीं बना है, कलवट आज नहीं बना है। इतनी ही जागरूक है तो आपके बाजू में भी कुछ काम होते हैं तो उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? बहुत सारी बातें हैं, हमको उनके डीप में जाना ही नहीं है। उनका कहना कि जो बिल्डिंग पर जोशी ने सुनिए 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 लॉकडाउन था, लोगों को कुछ काम धंधे है नहीं तो कहीं से तो इंसान आप समझदार हो। लेकिन उनका कहना है कि मनीष जोशी ने कार्रवाई की थी इसलिए आपने उनको हटवा दिया लेटर। देखिए ये मनीष जोशी वाली बात जो थी वो मामला कैसा था कि चांद नगर में जो हादसा हुआ था, एज ए प्रभाग समिति अध्यक्ष मैं एक लेडीज हूँ और मैंने इसकी जानकारी आवार साहब को दी, कमिश्नर को दी। औरतों के साथ बदतमीजी अगर होगी तो हम उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनीष जोशी के और हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, आज एक दो दिन के ताल्लुकात नहीं थे, 12-13 साल से मैं काम कर रही हूँ, शिक्षण मंडल में भी थे, कई काम उन्होंने करके भी दिए। लेकिन सिर्फ उन्होंने एक गलती की है कि उन्होंने उस लेडीज के साथ बदतमीजी की जो उनका हक नहीं था। और मैं एक औरत हूँ, जब मैं उनसे मार्केट के ताल्लुक से जब बातचीत करने गई थी उस वक्त भी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में मार्केट का टाइम टेबल एकदम बेकार करके रख दिया था, कोई कभी भी मार्केट खोलता था, कोई 4 बजे खोल रहा है, कोई 3 बजे खोल रहा है, कोई रात को 2 बजे खोल रहा है, जब मनमर्जी आती थी, रमजान का भी वक्त था तो भी दोपहर में, मतलब हर चीज़ में उन्होंने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। इस बात पर जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो मैं एक लेडीज हूँ, प्रभाग समिति की अध्यक्ष हूँ, इस बात को ध्यान में न रखते हुए मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर उनके खिलाफ लेटर दिया। मेरे लेटर में पूरा क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। और जो आदमी ये बात करे कि मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आवार साहब कुछ नहीं करने वाले, मुझे कमिश्नर साहब कुछ नहीं करने वाले हैं, जिसको जो करना है करो, ऐसे बदतमीजी के अल्फाज जब कोई इस्तेमाल करता है, गुरूर घमंड में बात करता है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना ही, और ख़ास करके जब औरतों का मामला आता है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, सारी बातें देखी होगी, चांद नगर में क्या हादसा हुआ था। एक बार हम हमारी बातों को तभी नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन हमारे बहनों के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये नाले का काम अश्विन राउत की मांग पर किया जा रहा है जो मनपा अपनी देख रेख में कर रही है, मगर मनपा द्वारा किए जा रहे काम से परवेज संतुष्ट नहीं है और वो इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त से मुलाकात करेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।